प्रभातखबर.com विश्वास वही रफ्तार नई। एक बार फिर समाजवादी पार्टी गठबंधन चर्चा में है। सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने आज प्रेस वार्ता कर एक बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के साथ हैं, लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में वो वोट अपने मुताबिक करेंगे और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि वो राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। उनकी पार्टी में 6 विधायक हैं, 6 विधायक द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे। इसके पीछे का मकसद बताते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब राष्ट्रपति चुनाव को लेकर के बैठक आहूत की लखनऊ में, उसमें जयंत चौधरी को बुलाया गया लेकिन हमको नहीं बुलाया गया, तभी मैं समझ गया था कि हमारी ज़रूरत अखिलेश यादव को नहीं है। इसके नाते जब योगी आदित्यनाथ, अमित शाह ने उन्हें बुलाया, वो गए और मुलाकात की और उनसे इस बात की चर्चा हुई और उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया कि राष्ट्रपति चुनाव में वो आपके साथ हैं। आज ओम प्रकाश राजभर ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी है। रही बात गठबंधन की, तो गठबंधन को लेकर के ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अभी वो समाजवादी पार्टी के साथ हैं। आइए सुनते हैं ओम प्रकाश राजभर ने और क्या कुछ कहा। के वजह से बड़े नेताओं को लगता है कि ये लोग ज़्यादा बोलते हैं, वो भर बोलते हैं, हमको सलाह देते हैं, तो हम अपनी सलाह को बंद करते हैं। भाई सलाह नहीं देंगे, हमको जो लड़ाई लड़ना है हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। आपने 2-3 दिन पहले ये कहा था कि 2024 का चुनाव भी समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ लड़ेंगे, क्या गठबंधन टूट गया है, आप बाहर आ गए हैं गठबंधन से, अभी की स्थिति क्या है? आज मैं सिर्फ राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के जब उन्होंने नहीं पूछा, मेरी दिली इच्छा थी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी बताने, तो मैं उनके साथ वोट देने के लिए रजामंद था, कोई दिक्कत नहीं थी। जब उनको ज़रूरत नहीं है तो फिर हम किसको वोट दें? इधर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुला करके कहा और गृह मंत्री, मेरी क्या औकात, गृह मंत्री जी बुला करके उसी बात को कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है भाई, जो लड़ाई आप लड़ते हो, हम लोगों ने प्रत्याशी दिया तो इसी को आप समर्थन करो। नहीं नहीं, हम वोट देने की बात नहीं कर रहे हैं, गठबंधन में है या नहीं है ये बताइए। अभी तो हैं, कब तक रहेंगे? जब तक वो रहेंगे रखेंगे। वो कहाँ रख रहे हैं, वो तो बार बार कह रहे हैं कि आपको मीटिंग कैंसिल हो गई, आना नहीं है, आपके सचिव से बोला जा रहा है कि हमको मतलब नहीं, आप अपने रास्ते जाइए, तो कब तक रहेंगे? अभी तो फिलहाल हम राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात करते हैं, अब आगे टाइम आएगा तो बताया जाएगा। नहीं, हम नहीं अलग हैं, हम अलग नहीं। जब तक आपके पास वोट रहेगा तब तक अलग नहीं होंगे। आपके आपके जो विधायक है 6 में से, उसमें से एक मुख्तार अंसारी साहब के साहबजादे भी हैं, उनसे भी बात हुई है कि द्रौपदी मुर्मू को वोट करेंगे? देखिए, हमारी बात उनसे कम से कम 4 बार हुई, कल भी हमारी उनकी बात हुई है। इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने भी रखा हूँ, इस बात को माननीय गृह मंत्री जी के भी सामने रखा हूँ। ऐसा नहीं है, हम कोई भी कदम उठाते हैं तो बहुत सोच समझ करके उठाते हैं। उन्होंने भी वोट देने की पेशकश की है कि हम साथ हैं, हम साथ चलेंगे। अखिलेश जी ने सवाल का जवाब दिया था कि आप पर्दे के पीछे राजनीति कर रहे हैं, तो पर्दे के पीछे तो सब लोग करते हैं, पर्दे के पीछे तो देखिए, मैं पिछली बार भी बीजेपी के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था, कांग्रेस के साथ लंबे समय तक गया, लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। मैंने किसी को बार्गेनिंग की एक बात कोई बता दे, कोई दल कि किसी से ठीका पट्टा, किसी से पोस्टिंग, किसी से कुछ मांगा हूँ, मैं मांगता सिर्फ यही हूँ कि अपने पार्टी के नेताओं को चुनाव लड़ने के लिए सीट मांगता हूँ, उनको एडजस्ट करने की बात करता हूँ, और कोई बात किसी से नहीं किया हूँ ना करूँगा। राजभर जी, आपको अखिलेश यादव ने ये साफ कह दिया कि अपने अपने रास्ते अलग देख लीजिए, जब उनके नेताओं ने मैसेज दे दिया, इससे ज़्यादा स्पष्ट और वो कैसे कहेंगे? भाई वो कह रहे थे हम अपनी पार्टी के मालिक हैं, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं। तो रास्ते आप अलग अलग हैं या एक साथ हैं? अभी तो हम अलग नहीं रखे हैं। राजीव जी, आपने मिलने का समय मांगा था, तो इसके लेकर क्या कहा गया कि समय नहीं दिया गया, तो कोई मतलब रिस्पांस क्या था? वो तो उसी दिन बता दिए थे जिस दिन उनके नवरत्न में से एक रत्न
जो गांव में बताते हैं कि अखिलेश जी के इर्द गिर्द नौ रतन रहते हैं, उसी में से एक रतन ने बता दिया था पहले ही। तो हम वेट कर रहे थे कि हो सकता है मैसेज आवे, बात हो। मैंने पहले कहा कि 5 तारीख को अरविंद जी को फोन करके ये मैसेज दे दिया गया कि अब आप अपना देखो, हम अपना देखेंगे। इसके बाद भी इंतजार करता रहा कि 7 तारीख को फिर 6 को फोन आता है कि आप 10 बजे अपने सभी विधायकों के साथ उपस्थित रहेंगे। मैं सभी विधायकों को 6 तारीख को बुला लिया। फिर फोन आता है कि नहीं, मीटिंग कैंसिल कर दी गई। लेकिन 7 तारीख को मीटिंग तो हुई, यशवंत सिन्हा जी आए, प्रेस वार्ता हुई, उसमें आप लोगों के तरफ से किसी साथी ने सवाल किया तो सवाल का जवाब ये आया कि हमारा अंदरूनी मामला है, और खास करके उन्होंने टाल दिया। नहीं, देखिए एक बात तो आपसे कहूंगा और सभी साथियों से कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर के विषय में सही जानकारी करके तब चलाया करिए। मैं इनोवा से चलता हूं, स्कॉर्पियो से चलता हूं, मेरे पास 2 इनोवा हैं, मैं बराबर अपने इनोवा से चलता हूं। एक इनोवा आज के लगभग 4 साल पहले की खरीदी गई है, एक इनोवा लगभग 2 साल पहले की खरीदी गई है। कभी मैं फार्चूनर से न चला हूं, न चलूंगा, क्योंकि फार्चूनर ऐसी गाड़ी है कि कमर तोड़ देती है। तो मेरे पास फार्चूनर नहीं है और न मैं फार्चूनर से चलता हूं। मैं स्कॉर्पियो ये इनोवा से चलता हूं और इनोवा गाड़ी मेरे पास है। तो फार्चूनर ली क्यों गई? जब वहां से दी गई तो उसे लिया क्यों गया? मुझे तो ये भी नहीं जानकारी है, तो आपके माध्यम से मैं सुन रहा हूँ कि फार्चूनर दिए हैं। आप बताओ, किसी को अगर गिफ्ट दिया गया हो, प्रसाद दिया गया हो, और वो प्रसाद हाथ से छोड़ लिया जाता है क्या? नहीं, दिया गया कि नहीं हमको नहीं जानकारी। प्रसाद लिया ना? आपको जानकारी नहीं? मुझे जानकारी नहीं। जो मैंने कल देखा, आज भी मैं सुबह देखा, किसी चैनल पे चल रहा था कि ओम प्रकाश राजभर फार्चूनर से चलते हैं, तो मुझे आश्चर्य लगा कि मैं तो फार्चूनर से कभी चला ही नहीं। मैं इसी नाते दूठो इनोवा रखा हूँ, कम से कम दूरी तक चलना है, अब फार्चूनर से चल के कमर कहीं को तोड़वा दें जल्दी। कोई और तो नहीं चलता था, क्योंकि आपके पोर्टिको में खड़ी हुई थी पार्टी कार्यालय के पोर्टिको। अरे कोई आ रहा है मिलने के लिए तो हम क्या करें, आप उसी की फोटो खींच के हमको चला दो है? हमारे यहाँ तो कांग्रेस के लोग आते हैं, बसपा के लोग आते हैं, सपा के लोग आते हैं, सारी पार्टी के लोग आते हैं, भाजपा के लोग आते हैं, हम भी जाते हैं। आप ले जा करके हम जाते हैं स्वतंत्र देव पटेल के यहाँ, हम जाते हैं दयाशंकर सिंह जी के यहाँ, हम जाते हैं मुख्यमंत्री जी के यहाँ गए थे। आप वहीं फोटो खींच के दिखा दो कि ये मुख्यमंत्री की गाड़ी है। इन्हें पार्टी वाली फोटो है आपके पास जो कहाँ? ऐसा है, राजभर जी को पकड़ना बड़ा कठिन काम है। एक दिन पहले से कि बताया जा रहा था? नहीं बताया जा रहा था, देखिए किसी को खबर नहीं थी, ना अरुण को खबर थी, ना किसी को खबर थी। किसी को मैं खबर नहीं देता हूँ, मैं अपने विवेक बुद्धि से काम करता हूं, जब उसको ओपन करना होता है। कल इन लोगों को बताया हूं कि प्रेस वार्ता करूंगा, मैं कहां था किसी को पता ही नहीं था। अमित शाह जी से मुलाकात हुई, ये भी जानकारी नहीं? नहीं, ये किसी को नहीं जानकारी है। अच्छा, कल ही मुलाकात हुई परसों? अरे राजभर जी, राजभर जी ये बताइए, मैं नगर से आप करेंगे, मैं नगर से आपकी विधायक है, वो भी नहीं मेरी विधायक? नहीं नहीं, मैं गलत नहीं नहीं, आप पहले जानकारी करिए। वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पे है, वो समाजवादी पार्टी के विधायक है, वो मेरी विधायक नहीं है। मेरी पार्टी से अगर जीती होती तो मेरा दावा था। मैं कोई ऐसा गलत काम नहीं करता कि मेरे ऊपर आप उंगली उठावें। समाजवादी पार्टी का सिंबल मिला है उनको, हाँ मैंने वो सीट मांगी थी, नहीं जब मिला तो मैंने कहा ये मेरा उम्मीदवार है, आप लड़ा दो अपनी पार्टी से, लड़ा के भैया अपने पास रखो। तो अब्बास वोट देंगे? अब्बास अंसारी 100% देंगे, क्यों नहीं देंगे? और कोई सवाल है किसी का? प्रकाश जी, ये बताया जा रहा है कि 7 तारीख को जो मीटिंग थी अखिलेश यादव से, आपको एक दिन पहले फोन आया था कि बैठक में आना है, फिर 2-3 घंटे बाद शायद उसको कैंसिल कर दिया गया, क्या ये बात सही है? 100% सही है। तो क्यों कैंसिल किया गया? अब ये बात तो वहाँ से पूछिए ना, हम क्या बता सकते हैं। हमारे ये विधायक जी हैं सामने, अभी सुबह सुबह आए हैं, कल मैंने सबको फोन किया कि हम लोग एक बैठा जाए, तो कहा कि एक बार बैठक हो गई तो फिर दोबारा बैठक की क्या हो सकता है।
पूछिए इनसे बुलाया था कि नहीं 6 तारीख को पूछिए। हम लोग बैठ के इंतजार करते रहे, पार्कर रोड में सभी विधायक बैठे थे। 7 तारीख उनकी जो प्रेस वार्ता थी, हम लोग जब मैसेज आ गया तब हमने कहा कि जाओ भाई सब लोग अपना अपना काम करो, फिर देखा जाएगा आगे। ओम प्रकाश केशव के मौर्य जी ने कहा था कि सपा की ओर से 3 फॉर्च्यूनर दी गई है, एक ओम प्रकाश जी को, एक खुद उनको और एक संजय चौहान जी को। देखिए वो बड़के भैया हैं और वो सिर्फ आपके चैनल पे दिखने के लिए इस तरह का बयान देते हैं, और इस बात की पुष्टि यहाँ बैठा होगा कोई साथी। अरे एक आप लोगों के महान दल के, उनको गाड़ी मिली थी। अरे उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ। वो खाली हमारा नाम लेके आपके टीवी पर आने के लिए बयान देता है और कुछ नहीं है। और कोई सवाल किसी का? जो लोग आप लोग चुनाव के संबंध में किसी ने नहीं पूछा, नवरत्न में से एक भी रत्न वहाँ नहीं दिखाई दिया। नवरत्न में एक भी रत्न आजमगढ़ में दिखाई नहीं दिया, अगर कोई दिखाई दिया तो ओम प्रकाश राजभर। और बयान टीवी पर देना अलग बात है, धरातल पे जाके काम करना। हमें डर लगा तो कहा ना। अरे भैया आप लोग जाने जो उदय के वीर हैं, कहा जाए कि आपने गठबंधन तोड़ दिया भी? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं। निकाय चुनाव होगा उसके बाद। मतलब आप निकाले जाने का इंतजार कर रहे हैं कि आपको निकाले? आपको कौन निकालेगा, किसकी औकात है? ऐसी परिस्थिति बन रही है, ऐसी परिस्थिति कि आपको मीटिंग में नहीं बुलाया जा रहा है। मत बुलाए, समर्थन हमारी पटिया है ना, हमारी पटिया है ना, अपनी पार्टी के मालिक है ना दूसरे के? नहीं आप गठबंधन में है अगर तो आप उनके एजेंडे पर काम करेंगे? कैसे करेंगे? उनके हमने कभी किसी के एजेंडे पर काम किया ही नहीं है, हम अपने एजेंडे पर। तो आप बस इंतजार कर रहे हैं कि हम आपके विरोधी काम करेंगे लेकिन निकाल? नहीं हम विरोधी काम थोड़ा कर रहे हैं। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।